22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, उसको लेकर पूरे भारत और अयोध्या में जोरों शोरों से तैयारी हो रही है। वही राम मंदिर के समारोह यानी प्राण प्रतिष्ठान के दिन पूरे देश में 22 जनवरी को दोपहर 2:30 तक सभी शिक्षण संस्थान, दफ्तर और सभी कार्यालय बंद रखने के सरकार की ओर से आदेश दिया है। और उस दिन राम मंदिर के जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, उन्होंने यह भी घोषणा की है कि पूरे भारत में हर घर में उस दिन दीपावली मनाया जाए, हर गांव में पूजा पाठ रखा जाए। लेकिन हर गांव में पूजा पाठ हो रही है, पूजा पाठों की जोर शोर से तैयारी हो रही है। कहीं अष्टयाम, कहीं हनुमान आराधना, कहीं हनुमान चालीसा, कहीं श्री राम नाम जप, लगभग सभी गांवों में इनकी तैयारी हो रही है। वहीं रामलला के प्राण प्रतिष्ठान पर बिहार से 151 किलो का लड्डू अयोध्या ले गया गया है। और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान पर पटना के महावीर मंदिर यानी हनुमान मंदिर से 2.5 किलो का सोने का धनुष और बाण भगवान श्री राम के चरणों में भेंट की गई है। और रामलला के प्राण प्रतिष्ठान के अवसर पर 22 जनवरी को राजस्थान के उदयपुर में पिछोला झील के स्थित राम मंदिर में लोहे से बना 400 किलो का धनुष स्थापित किया जाएगा। और यह धनुष उदयपुर के एक आयन फैक्ट्री में तैयार किया गया है, जो 9 फीट ऊंचा और 21 फीट लंबा होगा। वही राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी को है, उसे 7 दिन पहले से ही राम मंदिर की गर्भगृह में पूजा चालू की कर दी गई है। वहाँ अयोध्या में अभी पूजा पाठ चालू कर दिया गया है 7 दिनों के लिए। कई संत महात्मा व्रत रखे हुए हैं। वही पूरे देशवासियों से मेरा भी निवेदन है कि आप लोग अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उस दिन अपने घर में दिए जलाए, पूजा पाठ करें, श्री राम नाम जप करें। पूरे देश में लगभग हर गाँव में, हर घर में उस दिन पूजा पाठ, अष्टयाम, राम नाम जप, हनुमान चालीसा होने वाला है। और जिसको लेकर जोरों शोरों से हिंदुओं भाइयों में काफी उत्साह का माहौल सा है, क्योंकि उनके भगवान श्री राम अयोध्या पधार रहे हैं। और वही इंडिया और दुनिया के सबसे बड़े राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, जिसका प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी को होने वाला है। आप लोग वहां जाकर भीड़ न करें, उसके बाद आप लोग जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि सरकार और मंदिर के ट्रस्टी भी यह घोषणा किए हैं कि आम जनता के लिए उस दिन दर्शन के लिए दरवाजे खुले नहीं रहेंगे। आप लोग 26 जनवरी के बाद जाकर देख सकते हैं, क्योंकि 22 जनवरी को जो उद्घाटन होने वाला है उनमें कम से कम 11,000 मेहमानों को आमंत्रण किया गया है। भले ही मंदिर बड़ी हो, भले ही मंदिर 70 एकड़ में फैला हो, लेकिन प्राण प्रतिष्ठान पर बहुत से श्रद्धालु वहां जाएंगे, जिसकी वजह से काफी भीड़ हो जाएगी और भीड़ के कारण कई समस्याएं आ सकती है और राम मंदिर के ट्रस्ट को संभालने में इनको काफी दिक्कत हो सकती है। इसलिए वहां के ट्रस्टी और सरकार यह कह रही है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद आप लोग जाकर निश्चित दर्शन कीजिए, आराम से दर्शन कीजिए, आपके लिए कोई रोक छेक नहीं है। लेकिन उससे पहले आप लोग ना जाए, क्योंकि वहां भीड़ के कारण काफी स्थिति खराब होगी। रहने और खाने की तो व्यवस्था वहां हो जाएगी, लेकिन ज्यादा भीड़ होने के कारण स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाएगी, जिसको लेकर वहां की सरकार, पुलिस सभी तैयारी में जुटे हुए हैं कि किस तरह इस समारोह को संभाले जाए, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि राम भगवान के इतने भक्त हैं कि उनको देखने के लिए कहीं ना कहीं से पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरे अनुरोध से आप लोग कुछ दिन बाद जाइएगा देखने, रामलला वहीं रहेंगे, कहीं चले नहीं जाएंगे। और प्राण प्रतिष्ठान हम लोग लाइव प्रसारण देखेंगे, आप अपने अपने घर में बैठकर टीवी मोबाइल में आप लोग देख सकते हैं। वही राम मंदिर पूरी दुनिया के सबसे भव्य मंदिरों में से एक माना जाएगा, जिसे विश्व धरोहर में रखा जाएगा, क्योंकि विश्व धरोहर में कई मंदिर है, लेकिन राम अयोध्या मंदिर को भी विश्व धरोहर में शामिल किया जाए, ऐसा हम लोग का मानना है। और सरकार यह भी चाहेगी कि विश्व धरोहर में शामिल कर दिया जाए, और विश्व धरोहर में शामिल करने से यह विश्व का 7वां अजूबा हो जाएगा, जिसे पूरे हिंदू भाइयों की गर्व होगी और किसी धर्म की हिम्मत नहीं होगी कि राम अयोध्या मंदिर को तोड़ने की कोशिश किया जाए, क्योंकि विश्व धरोहर एक ऐसे कटोरी में आ जाते हैं कि किसी की सोच से कहीं ज्यादा आगे निकल जाती है, क्योंकि उनमें सुंदरता और उनको दर्शन और पर्यटक स्थान के लिए इतने फेमस हो जाते हैं कि वह 7वें अजूबे में आ जाते हैं। वही 22 जनवरी को राम प्रतिष्ठान का उद्घाटन होने वाला है। आप लोग घर में पूजा पाठ करें, सुरक्षित रहें, साफ सफाई पर ध्यान